भाभी जी, मैं कह रहा था कि ये काला चश्मा लगाने की कोई खास वजह? हाँ, वो लड्डू के भैया को आंखें आ गई है ना, तो हमको भी आ जाएगी, इसलिए हम काला चश्मा लगाए हैं। मैं तेरे लिए देख क्या लाया हूँ। इसमें कौन सी खास बात है? इसके लेंसेज में क्या हीरे लगे हुए हैं? इसके अंदर एक्सरे लेंसेज लगे हुए हैं। एक्सरे लेंसेज? मैं कुछ समझा नहीं। अरे यार, तेरे शरीर में कितने दिल है? तू इस गंदे चश्मे से भाभी जी को देखने जा रहा था, जिससे छी 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 छी। कुछ भी हो, मैं इस चश्मे को फेंक दूंगा। गॉड, कहाँ गया मेरा एक्सरे वाला चश्मा? शायद जहां सक्सेना मुझे टकराया था वहां ना गिर गया। गॉड, ये तो था, कहां चला गया चश्मा, कहां चला गया यार? ये ऐसे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं झुक के? और आप क्या देख रहे हैं? आपको देख रहा हूं भैया, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। और आपका ये क्या मतलब है तेरा? आपका क्या मतलब है? अरे भैया, आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या सक्सेना जी, आप बहुत ही ना चीप किस्म के आदमी है। बाय गॉड, मैंने कौन सी चीप हरकत कर दी भैया? और आप ये क्या ऐसे ऐसे छुप क्यों रहे हैं आप, जैसे नंगे खड़े हो आप? बकवास बंद कीजिए आप। आप पागल हैं, जग जाहिर था, लेकिन आप इतने बड़े अश्लील आदमी होंगे ये मुझे आज मालूम चला। बाय गॉड, मैंने पता नहीं कौन सी अश्लीलता दिखा दी भैया, समझ में नहीं आ रहा मुझे। चश्मा इधर लाइए, मेरा चश्मा है वो। अरे ये चश्मा मेरा है, मैं लाऊं दुकान से भैया? आप होल्ड दिस, ये मेरा माइन। अरे भैया, वो मेरा चश्मा है, मैं लाऊं दुकान से? शट अप। कमाल है ये तो, कपड़े पहने मैंने, उन्होंने सब नॉर्मल है। हाँ, ये तो वो चश्मा है ही नहीं सक्सेना जी। हाँ, ये मेरा चश्मा नहीं है, जो मैं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो चश्मा नहीं है ये। अरे भैया, मैं इतनी देर से कह तो रहा हूँ आपको, ये चश्मा मेरा है, मैं लाऊं दुकान से इसको। मेरा चश्मा कहाँ गया, कि देखा है आपने? अरे मुझे क्या पता भैया आपका चश्मा कहाँ है क्या है। तो ये चश्मा मेरा है, मैं खरीद के लाऊं, दीजिए आप मेरा चश्मा। कमाल करते हैं आप भी, आई डोंट लाइक इट भैया। गॉड, ओ माय गॉड, अगर वो एक्सरे गॉगल्स किसी गलत आदमी के हाथ लग गए तो मुसीबत हो जाएगी। ओ गॉड, क्या करूं? गॉड, ओ गॉड, मैं कहां से ढूंढूं एक्सरे गॉगल, कहां से ढूंढूं यार, कहीं कोई मजा ना ले ले वो एक्सरे गॉगल का। बिबू, ये लो, ये आ गई डिमांड लिस्ट। अरे बिबू, मेरी ना कॉफी खत्म हो गई है, जरा जाके लेके आओ ना, मुझे कॉफी पीना है अभी। हाँ, ले आता हूँ, ले आता हूँ, ले आता हूँ, ले आता हूँ को क्या मतलब है? मुझे अभी पीनी है कॉफी, मुझे अभी क्रेविंग हो रही है। यार अनु, ये क्या क्रेविंग लगा रखी है तुमने यार, तुम्हें कॉफी की लत लग गई है? ये कॉफी कोई शराब नहीं है, तुम्हें क्रेविंग हो रही है यार। और सुनो, मार्केट बंद नहीं हो रहा, ले आऊंगा यार। गॉड, क्या मैं कॉफी लेने जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। नहीं, तुम कॉफी लेने मार्केट नहीं जाओगी, नो मैटर व्हाट। व्हाट रबिश, ऑफ कोर्स मैं कॉफी लेने बाजार तुम नहीं जाओगी अनु, तो पता नहीं बाहर छेड़खाने की वारदातें हो रही हैं। कौन सी छेड़खाने की वारदातें हो रही है? मैंने ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी है, प्लीज हटो। ओके, राइट, ठीक है, कम ना, कम ना। ओके, फाइन फाइन फाइन, कम, मैं कॉफी लेके आता हूँ, मैं लाता हूँ ना कॉफी, मैं लेके आता हूँ, और अपने हाथों से अपनी क्वीन के लिए बढ़िया से कॉफी बना के लाता हूँ। बेटर, ठीक है, ब्राउनीज भी लेकर आना। टिंग, मेरा वॉलेट ऊपर है, लेके आता तिवारी जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? एक बात कहे भाभी जी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? नहीं नहीं, बोलिए क्या बात है भाभी जी। आज आप इस साड़ी में साड़ी हटाइए,
बहुत ही बहुत अच्छी लग रही है। अरे ऐसी क्या खास बात है, बिल्कुल नॉर्मल सी साड़ी है, क्या खास बात है ऐसी? नहीं भाभी जी, आज कुछ तो खास है भाभी जी, कुछ तो खास है। तिवारी जी कोई खास बात नहीं है, मैं हर रोज की तरह ही लग रही हूँ। मुझे तो लगता है नजरों की बात है आपकी, खाम खा ऐसे ही तारीफ करते रहते हैं। ये क्यों आए आप यहाँ पे? मैं भाभी जी को देखने आए थे और क्या। भाभी जी को ताजमहल है क्या, टूरिस्ट बन के देखने आया उनको है? भाभी जी तो जिंदा ताजमहल है। क्या कहा आपने? अरे भाभी जी देखिए ना, मेहमानों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। मेहमान नहीं है, हैवान है, हैवान। What is this, विभू? कि क्या है, क्या है, क्या कर रहे हो तुम? ये तरीका है, मैनर्स है कोई बात करने की? अरे क्या कर रही है, क्या कर रहे हो? कर रहे हो? Thank God. Thank God. Diwari ji. Huh? I'm sorry. Okay? Chashma diji. I'm sorry. I'm really sorry. Kuch bhi karte ho, Vibhu. Tum kuch bhi karte ho. लेकिन तिवारी जी ये आपने आंखें क्यों बंद कर रखी थी अपनी? अरे वो कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है भाई, आपकी आंखों से मुझे हो जाएगा तो? एक्सक्यूज मी, मेरी आंखें नहीं आई हुई हैं, मेरी आंखें एकदम क्लीन है, आई एम हाइजीनिक मैन। वो हो गया, अब जाइए आप कॉफी लेकर आइए और साथ में दो ब्राउनीज भी लेकर आइएगा, एक मेरे लिए एक तिवारी जी के लिए। तिवारी जी आप अंदर आइए, हम बैठते हैं, ब्राउनी खाएंगे। आप आइए ना, आप अंदर मतलब आइए। अरे आप आइए ना अंदर, आपको मैं अच्छी सी कॉफी पिलवाऊंगी, विभू से बन पाकर। बैठिए बैठिए भाभी जी। है कैसे लग रहा है चश्मे में? गुड। ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में हम मिलते, क्या खूब नरम नाजुक है कानपुर की सब्जी। सब्जी वाले, हाँ भाभी, सब्जी वाले सब्जी चाहिए? अरे ले लीजिए भाभी, सब आप ही की है। है कौन सी सब्जी है? अरे सारी सब्जियां देखिए, लौकी है, गोभी है, बैंगन है, भिंडी है, सब है। ठीक बा, हमको भिंडी चाहिए। बात कहें, बुरा तो नहीं मानेंगी आप? लड्डू के भैया के बारे में एक अनशन भी बोला तो कंटा पर रख कर देंगे। अरे नहीं नहीं, हम तो आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? वो इस साड़ी में ना आप बिल्कुल देवी माँ लग रही हैं। थैंक यू थैंक यू। अबे ये तो चश्मा एक्सरे वा। I'm really sorry. विभूति भैया आपने हमारी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी, सिर्फ सॉरी बोल के आप बचना चाहते हैं? 5,000 रुपया का नुकसान हुआ है हमारा, जुर्माना भरना पड़ेगा। हाँ अरे 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 भैया, जो 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 का तमाशा चल रहा है? विभूति भैया ने हमारी सारी सब्जियां बर्बाद कर दी, पूरे 5,000 का नुकसान किया है दरोगा जी इन्होंने। अरे भाभी अंगूरी, आप का ऐसे पीछे दुबक के खड़ी हो गई हो, सामने आके तनक पूरी बात तो बताओ। दरोगा जी हम सब्जी खरीद रहे थे। दरोगा जी आपको भाभी जी से जो बात करनी है
मेरे थ्रू करनी पड़ेगी, थ्रू मी। अरे 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 भैया विभूति, तुम यार काय को भाभी को रक्षा कवच बन रहे हो हैं? अरे हमका सकल से चोरों चक्कर ढकन लग रहे हैं जो तुम हमारे भाभी के बीच में दीवार बन के खड़े हो। चश्मा उतारिए, मैंने कहा चश्मा उतारिए। अबे चश्मा उतार। अरे यार तुम आदमी हो पजामा हो, हम काय को चश्मा उतारे यार? तुम ठहर जाओ यार। अरे अंगूरी भाभी, आप सामने आके पूरो कांड का होगा है, पूरी बात बताओ हमें। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, जयो। भाभी जी, आप अंदर जाइए। अगर आप अंदर नहीं गई तो आप लड्डू के भैया का मरा हुआ मुंह देखेंगी। दरोगा जी, विभूति भैया को गिरफ्तार कर लीजिए। पूरे 5,000 का नुकसान हुआ है हमारा, पैसे दिलवाइए। हाँ यार, तू हमें बताएगा कि कितना नुकसान होगा, क्या होगा वे? हम फालतू में खड़े हैं कहते सब। तो 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 हमारी सब। आ भैया विभूति, क्या कह रहा है लौंडा? निकालो 5,000 रुपये और लौंडे को दो। और सुनो, 2,000 रुपये हमें भी निछावर करके दिलवा दो यार। मोहल्ले में लूट हो गई, मोहल्ले में लूट हो गई, दरोगा चश्मा लूट लिया। चलो रे, चलो चलो चलो, दरोगा जी विभूति। अरे ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये वो एक्स्ट्रा वाला नहीं है यार। भैया भैया दरोगा जी रोक लो, बस बस। I'm sorry. I'm really sorry. सागर के पुल के नीचे तेरी माँ भजिया तले, मेरा बाप खा के चले, मेरा बाप खा के चले। बे अबे इधर देख, ठीक है जी? ऊपर का देख रहा है तू? बलखान बेटा, तू भी ऊपर देख ले, तेरी भी शादी जल्दी हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? कहा देखू मोह तो कुछ भी नजर ना आ रहा हूँ। अबे मेरी उंगली की सीध में देख, वो देख है, तुझे वो पुच्छल तरह दिखाई दे रहा है? पंडित जी ने कहा है कि पुच्छल तारा दिन में दिखाई देता है, और पुच्छल तारा को रोज है ना 10 मिनट देखने से है ना शादी जल्दी होती है। क्या बात कर रहे हो तुम्हें? अब मोए तो वहां भाभी नजर आ रही। अरे ऊपर देख, मजो आओ। छोरों क्या देख रहे हो ऊपर? डिस्टर्ब मत ना करे यार, देखन दे। छोरों क्या देख रहे हो ऊपर, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? पुच्छल। अरे विभू, विभू क्या कर रहे हो ये? एक मिनट, लेट मी हैंडल दिस। तुम गली में अब गुंडागर्दी करोगे विभू? छोड़ो उन दोनों को। विभू ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उनको।
रहा है मेरी बात? ये ऊपर क्या देख रहे थे तुम लोग? भैया जी ऐ पुच्छल तारा देख रहे, जे दिन में निकलतो है। पंडित जी ने कहा था कि रोज पुच्छल तारा 10 मिनट देखने से है ना कुंवारे लोगों की जल्दी शादी हो जाती है। I'm sorry boys. I'm really sorry, okay? I'm sorry. आपका फायदा। है मलकान? अब बोल टीका। तारो नजर आयो? आप तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं। हाँ, चला जा। कुछ बताना है मुझे? I don't think so. मुझे बताना है लेकिन ये क्या हरकत हो रही है? ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम? गुंडागर्दी कर रहे हो तुम गली में, लोगों को पीटने लग गए हो। देख रही हूँ कि तुम कुछ दिनों से तुम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हो। अरे यार अब तुम्हें मैं क्या बताऊँ, तुम नहीं समझोगी। अरे बताओगी तो समझोगी ना विभू। क्या बताऊँ यार तुम्हें, ये प्रॉब्लम मेरी क्रिएट की हुई है, मैं ही सॉल्व करूंगा इसे। तुम्हें बताऊंगा तुम और रूठ जाओगी। ऐसी क्या बात है कि मैं रूठ जाऊंगी? बताओ तुम्हें मेरी कसम। हेलो अम्मा जी, प्रणाम। जुग जुग जी अमर बच्चे, कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, आप कैसन बा? हाँ अच्छा सुनो, ये जो आँख आने का बीमारी है ना, वो पूरा इलाका में फैल गया है, है? तुम्हारा आँख तो नहीं आया? नहीं नहीं, हमरी आँखें बिल्कुल ठीक बा अम्मा जी। हाँ, और बैल का आँख कैसा है? बैल का अहमद बल लड्डू के भैया का तो बहुत जबरदस्त आँख आया है। वो तो आना ही था ना, सारा दिन वो बैल नैन मटक्का जो करता रहता है बुड़बक कहीं का। वैसे अम्मा जी आपकी आँख कैसी बा? अरे हाँ हमारा आँख एकदम ठीक है, कहा है ना हम भी काला चश्मा लगाए हैं। हाँ हतिया, वैसे अम्मा जी आप वो काले चश्मे में बहुत सुंदर लगती होंगी ना? अभी तो हमको नहीं मालूम है बिटिया, लेकिन जब से काला चश्मा लगा करके खिड़की पर खड़े है ना, दो चार ठो एक्सीडेंट हो ही गया है। हतिया और एक ठो एक्सीडेंट हो गया। हाँ अम्मा जी हमरी भी बहुत इच्छा हो रही है आपको देखने की, आप हमको एक ठो सैफ अली भेज दीजिए ना। अरे बिटिया वो सेल्फी होता है। हाँ सही पकड़े है, भेज दीजिए ना। हाँ हाँ भेजते हैं, होल करो है। मिला का? हाँ हाय दिया, अम्मा जी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब क्या करें, ऊपर वाले ने बना दिया है। ए बड़ो का देख रहा है बे? कभी कोने सुंदर नान नहीं देखी का चश्मे में? औरत तो बहुत देखे हैं लेकिन भाई से पहला बार देख रहे हैं। भाग यहाँ से, कहीं का तुमको तो छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ माँ जी? अरे कुछ नहीं बिटिया, एक तो छिछोरा बुढ़ुआ जो है हमको छेड़ रहा है, तुम कहीं फोन रखो हम उसको सबक सिखाते हैं। हाँ हाँ माँ जी, अच्छा सबक सिखाना। अपना नाम? ए बुढ़ुआ, ए ए ए रु, अरे कहा ज्यादा लगी तो नहीं ना? अरे कहाँ जा रहा है? अरे अरे रुका, पट्टी लगा मेरे। छोड़ो ना यार, जाने दो ना यार, खत्म करो ना। बिभू कसम दी है मैंने यार, ये तुम ना वो एक्चुअली वो मेरा दोस्त है ना, वो प्रेम चौधरी। हाँ वही जो सबके सामने तुम्हें जलील करता फिरता है। ये बोलना जरूरी था अभी? अरे तो क्या बोलू। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, डाउन टू अर्थ फ्रेंड। हाँ क्या हुआ? एक्चुअली उसने मुझे जो चश्मा दिया था ना वो
वही ना, फुटपाथ से उठाया हुआ सस्ता सा सड़ा चश्मा। वो गुम हो गया। तो क्या हुआ, गुम हो गया तो? वो सड़ा हुआ चश्मा गुम हो गया, इसके लिए तुम लोगों को पीटने लग जाओगे, गली में गुंडागर्दी करोगे? वो सस्ता घटिया मामूली टटपुंजिया चश्मा उसके लिए? वो सस्ता नहीं था, वो एक्सरे गॉगल था यार। फिर से बोलो। वो क्या होता है? वो सी थ्रू था। ओ, अब तुम लोगों के कपड़ों के अंदर झांकने लग गए हो। कहाँ झांका? Disgusting! तुम इतने गिर गए हो। हे भगवान, भगवती जी घटिया किस्म के इंसान थे ये तो जग जाहिर है, लेकिन वो अश्लील भी होंगे ये हमें नहीं पता था। भाभी जी को तो ऐसे घटिया आदमी को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा मैच्योर आदमी ये छिछोरी हरकत करेगा। गिर गए हो तुम मेरी नजरों में। I'm disgusted. अनु प्लीज। अशीम। अनु प्लीज मेरी बात सुनो। अनु मेरी बात सुनो प्लीज। अनु लिसन टू मी यार। ये कुछ भी खाए पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना यार। ये आखू मैं कौन है बे? मैं कौन थूक गया? इस चश्मे ने तो एक तूफान खड़ा कर दिया जिंदगी में यार। लोग थूक थूक के जा रहे हैं।